भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त देने के बाद भारत की निगाहें अब दूसरे मुकाबले पर डटी हुई हैं। लेकिन इससे पहले टीम के एक प्लेयर को बाहर करने की मांग तेज हो रही है। गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच 17 फरवरी से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। इससे पहले ही भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने एक खिलाड़ी को बाहर करने की मांग उठाई है और साथ ही यह भी कहा है कि भारत 4-0 से अपने नाम करेगा सीरीज को। साथ ही यह भी कहा है कि भारत सीरीज को 4-0 से अपने नाम करने वाला है। भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने दूसरे टेस्ट से पहले के राहुल को टीम से बाहर करने की मांग की है। हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि केएल राहुल को टीम से बाहर कर देना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल पहले टेस्ट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी पारी में 71 गेंदों का सामना किया परंतु केवल 20 रन ही अपनी पारी में बना सके हैं और जिसके बाद ही उन्हें टीम से बाहर करने की मांग उठने लगी है। और इसी के साथ साथ हरभजन ने यह भी कहा कि राहुल की जगह टीम में शुभमंगल को मौका दिया जाना चाहिए। जहां एक तरफ केएल राहुल फ्लॉप चल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गिल को जब भी टीम में मौका मिलता है तो चौका लगा देते हैं। गिल ने क्रिकेट के तीनों प्ररूपों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। सीरीज पर भी बात करते हुए हरभजन सिंह ने कहा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत अपने नाम करने वाला है। नागपुर टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को 132 रनों से हराया था। इस टेस्ट में भारत के बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों का प्रदर्शन ही सराहनीय रहा है। भारत ने इस मैच में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब आगे देखना होगा कि भारत किस प्रकार मुकाबले में प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।